ये आरोप तो बेबुनियाद और निराधार हैं, इनमें कोई सच्चाई ना है। और मैंने मुकदमा तो दर्ज कराया है। रॉकी जैन यहाँ शहर का रहने वाला है, एक वसीयत अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, जबकि वो जिसने वो वसीयत लिखी हुई हो पहले ही ऑलरेडी हमारे ऑफिस में रजिस्टर्ड है। 2000 के खिलाफ एक जमीन कारोबारी द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। जिन आरोपों की सच्चाई जानने व मामले की तह तक जाने के लिए सोमवार को हमारी टीम तहसीलदार के कार्यालय पहुंची, जहां पर मौजूद नायब तहसीलदार ने बताया कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनका कोई वजूद नहीं है और वह आरोप बिल्कुल गलत व निराधार है। जमीन कारोबारी जमीन की उस वसीयत को गलत तरीके से अपने नाम कराना चाहता था, जो कि साल 2021 में पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज है। नायब साहब, आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए, कुछ पैसे लेने के, क्या पूरे आरोप है और आपने भी एक मुकदमा दर्ज कराया, क्या सच्चाई इसकी है? ये आरोप तो बेबुनियाद और निराधार है, इनमें कोई सच्चाई ना है। और मैंने मुकदमा तो दर्ज कराया है। ये रॉकी जैन यहाँ शहर का रहने वाला है, एक वसीयत अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, जबकि वो जिसने वो वसीयत लिखी हुई हो पहले ही ऑलरेडी हमारे ऑफिस में रजिस्टर्ड है 2021 में, और उसके बेसिस पे एक इंतकाल कंटेस्टेड करके SDM साहब को तहसीलदार सोना ने भी भेजा हुआ है। और इसने यहाँ ऑफिस में आके बदतमीजी की थी, कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस समय यहाँ पुष्पेंद्र राघव एडवोकेट और कई लोग बैठे हुए थे और मैं उस टाइम कोर्ट ले रहा था, तो इनने उस तरीका की जो बदतमीज़ करी, मैंने फिर भी इसको यही कहा, भाई प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, इस तरीके की चीज़ें नहीं चलती ऑफिस में, नियमों के दायरे में रहकर कार्य होते हैं। अगर नायब तहसीलदार की माने तो रॉकी जैन व उनका बेटा कशिश जैन उनके ऊपर एक गलत वसीयत को रजिस्टर्ड करने का दबाव बना रहे थे। जिस वसीयत को उनके द्वारा रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया गया, तो उन्होंने उस समय उनके साथ बदतमीजी की जिस समय कोर्ट चल रहा था और कुछ अधिवक्ता भी वहां पर बैठे हुए थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ सरकारी कार्य में ही बाधा नहीं डाली, बल्कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको देख लेने तक की धमकी भी दे डाली, जिसकी शिकायत सोना सिटी थाना पुलिस को दी गई। जिस शिकायत पर सोना सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच के दौरान मामले की असल सच्चाई सामने आ जाएगी। तो उसको फोर्सफुली रजिस्टर्ड कराना चाहते थे, वो मैंने नहीं करी, तो उसमें फिर भी इसको बाज नहीं आया, तो 5:15 बजे फिर इसका लड़का आया, तो फिर उसका वही रवैया था। तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन SHO साहब को दे के और इसके एक पर्चा दर्ज करा दिया। पर्चा दर्ज कराने के बाद और FIR से बचने के लिए और मेरे ऊपर दबाव डाल बनाने के लिए इसने इस तरीका का आरोप लगाए, और इनमें कोई सच्चाई ना है। इसके अलावा और भी उसने आरोप लगाए हैं कि गलत रजिस्ट्री करने के, NOC नहीं होने के, दो रजिस्ट्री करने, अगर उसने खुद ने कराई हो तो वो भी दिखा देगा, वो खुद एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। और ये तो निराधार आरोप है, वो FIR से बचने के लिए कुछ भी कह सकता है। बता दें कि नायब तहसीलदार द्वारा 29 फरवरी को एक शिकायत सोना सिटी थाना पुलिस में राकेश जैन व कशिश जैन के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने, सरकारी कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की धमकी देने की गई थी, जिस शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी दौरान कशिश जैन व राकेश जैन द्वारा भी सिटी थाने में शिकायत देकर तहसीलदार पर 2 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए थे, जिन शिकायतों पर भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा किसके खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।